आगरा कॉलेज आगरा के प्राचार्य पद को लेकर हो रही खींचतान आखिरकार शासन की कार्रवाई के साथ समाप्त हो गई। उच्च शिक्षा निदेशक और मंडलायुक्त को भेजे गए पत्र से यह खुलासा हुआ है कि आगरा कॉलेज आगरा प्राचार्य रहे अनुराग शुक्ल को कूट चरित शैक्षिक दस्तावेज लगाने के आरोप सही पाए जाने पर पद मुक्त कर दिया गया है। आगरा कॉलेज स्टाफ क्लब के सचिव प्रोफेसर एस पी सिंह ने अनुराग शुक्ल पर हुई कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा कि प्राचार्य अनुराग शुक्ल ने पद पर रहते हुए आगरा कॉलेज की साख पर पट्टा लगाने का काम किया है, आगरा कॉलेज गौरवमयी इतिहास को धूमिल किया है। आगरा कॉलेज का कहने को तो गौरवमयी इतिहास है, 200 साल पूरे 2023 में किए हैं और पूरा स्टाफ इस गौरवमयी पल को जी रहा था, खुश हो रहा था, हर्षोल्लास था आगरा कॉलेज में। लेकिन जैसे ही आगरा कॉलेज के प्राचार्य पद को लेकर घमासान हुआ, आगरा कॉलेज पर संकट के बादल मंडराने लगे और इस पद के खींचतान में आज खबरें आ रही हैं कि जो अनुराग शुक्ल थे प्राचार्य, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है और उनके इस खींचतान के मद्देनज़र इसके दौरान आगरा कॉलेज को कितना नुकसान हुआ, हमारे साथ हैं आगरा स्टाफ क्लब के सचिव विजय सिंह। विजय सिंह जी, क्या पूरा मैटर था और क्या आगरा कॉलेज को खामियाजा में भुगतना पड़ा है? देखिए, आगरा कॉलेज आगरा स्टाफ क्लब 200 साल का कॉलेज है और 104 वर्ष स्टाफ क्लब को बने हुए हो गया। 2023 में स्टाफ क्लब का चुनाव होता है जिसमें आयोग से आए हुए प्राचार्य ने सबसे पहले संगठन को तोड़ा। उसका कारण था कि मेट्रो एंड मेट्रो का जो काम चल रहा था उसके अधीन बिल्डिंगों में होने वाले धांधली और प्रबंध तंत्र को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने एक संगठन पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की, जिसको हमने चीट एंड फंड में जिनका इन्होंने मान्यता प्राप्त कर ली थी उसको निरस्त कराया। उसके बाद कमिश्नर के निरस्त कराया, हाईकोर्ट में ये लोग गए वहाँ से निरस्त कराया। तो पहले तो संगठन को बचाने का काम किया, दूसरा इन्होंने जो ये अनुराग शुक्ल जहाँ प्राचार्य पद धारित किया था, इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके शोध प्रपत्र, शोध पत्र और शोध निर्देशन का कार्य जो इन्होंने दिखाया था वह सब फर्जी था, क्योंकि ये यूजी के महाविद्यालय में पढ़ाते थे। पीजी का अनुभव रिसर्च वही करा सकता है जो पीजी का जिसके पास अनुभव हो, यदि पीजी का अनुभव नहीं तो रिसर्च नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में इन्होंने अलवर राजस्थान विश्वविद्यालय से जो स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत चलती है वहाँ से फर्जी सर्टिफिकेट शोध कराने का ले आए, जो 2019 में विज्ञापन भरा गया और 2021 का वहाँ पर उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया। दूसरा एनसीईआरटी में संपादन का मामला था, कई जगह इस तरह का इन्होंने 9 सर्टिफिकेट इस तरह से लगाए हैं जो पूरी तरह से फर्जी है। और उस फर्जी सर्टिफिकेट का जब जाँच हुई तो हम लोगों ने आयोग में उच्च शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके यहाँ कंप्लेन किया, वहाँ से जांच आई। जांच में पहली जांच में इन्होंने 540 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी जो बस से आते थे, जो साइकिल से आते थे, जो खुद अपने साधन नहीं लाते थे उनसे भी ले करके अपने कॉलेज का नुकसान, अपने विद्यार्थियों का नुकसान किया, जिसमें लगभग 1,10,00,000 रुपये पर ईयर का फीस जो था वो मैनेजमेंट से पास नहीं था उसको इन्होंने गोलमाल कर दिया। इसका संज्ञान लेते हुए शासन को हम लोगों ने अनुभव किया, शासन से टीम आई जांच की, जिसमें जांच में इनको फर्जी पाया गया। उसके बाद फरवरी मार्च में पिछले वर्ष जो है इनको पदमुक्त किया गया। चार्ज के रूप में डॉक्टर सी के गौतम अंग्रेजी विभाग को चार्ज मिला। उस समय प्रबंध तंत्र और प्राचार्य तत्कालीन प्राचार्य ने इन लोगों ने मिल करके जांच कमेटी को से निवेदन किया कि फिर से आएँ। प्रबंध तंत्र ने अपनी जांच बैठाई, जांच के चार सदस्य थे जिसमें डॉक्टर पी बी झा, डॉक्टर भोपाल सिंह, डॉक्टर शशिकांत पांडे और डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह। इन लोगों ने जांच की और जांच के बाद डायरेक्टर उच्च शिक्षा अमित भारद्वाज जी अपनी टीम के साथ आए, उन्होंने जाँच की। जाँच में कॉलेज का 18.5 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले गए, जिसका सत्यापन मांगा गया तो यह छुट्टी पर चले गए, उस समय उनके सामने पेश नहीं हुए। अब शासन ने अपनी जांच कराई, इनकी डिग्री और इनके बजट का, इनके समय हुए भ्रष्टाचार का दोषी पाया। दोषी पाने में यह अपनी योग्यता न रखते हुए फर्जी तरीके से फार्म भरा हुआ था, उस फर्जी तरीके का जाँच होने के बाद आयोग ने अपने नियुक्ति को दोषपूर्ण मानते हुए
इनके आवेदन को रद्द कर दिया, इनके चयन को रद्द कर दिया और आज इनके आसन व्यवस्था को रद्द करने की सूचना मंडलायुक्त महोदय को, प्रबंध तंत्र को भेज दिया है। इसलिए आज आगरा कॉलेज आगरा में नए प्राचार्य का सिंहावलोकन हो सकता है। अब चूंकि मैनेजमेंट की बैठक होगी, कमिश्नर उसके अध्यक्ष हैं, डीएम उपाध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ दो शिक्षक टीआर के रूप में हैं। अब कमिश्नर कब बैठक बुलाती हैं, कब पद पर कोई नया व्यक्ति आता है, यह शाम तक पता चलेगा। सचिव, जिस तरह से पहली बार इनको पदमुक्त किया गया था, आगरा कॉलेज के पद से हटाया गया था प्राचार्य पद से, जब ये हाईकोर्ट चले गए और द्वारा से ये वहाँ से स्टे लिया आए और उन्होंने फिर परिवार संभाला, क्या इनके हौसले बुलंद हो गए थे, क्या थे? पहली बार जब ये पदमुक्त हुए थे तो इनको कोर्ट से स्टे मिल गया था। उसके कारण केवल यह था कि इन्होंने सीनियरिटी के क्रम में जो शासन ने 16वें नंबर के व्यक्ति चित्र कुमार गौतम को अपना प्रतिनिधि के रूप में शासन बैठाना चाहता था, उसमें जो है उसको लेकर के एक आधार लेकर के ही चले गए कि सीनियरिटी से चार्ज नहीं दिया है, इसलिए शासन ने, कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया और उसके बाद जाँच का आदेश कर दिया। तो जांच चलती रही और उस बीच में 2.5 महीने चित्र कुमार गौतम अपने कुर्सी पर बैठे रहे, प्राचार्य का कार्य का दायित्व निर्वाचन करते रहे। उसके बाद उन्होंने जब चार्ज दिया तो चार्ज देने के बाद जब वो पुनः आए तो पुनः आने के बाद वही टीम वही क्रियाकर्म अपने जो है दूने स्तर से शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि आज नहीं कल मेरी भ्रष्टाचार खुलेगी, इसलिए वह लूटपाट में लगे रहे और 27 सितंबर से लेकर अब तक कॉलेज में 2 घंटे भी नहीं बैठे हैं। अनुराग शुक्ल जो आचार्य थे, प्राचार्य थे आगरा कॉलेज के, उन पर आरोप है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके जो शोध पत्र थे वो सारे फर्जी हैं, ये उन पर आरोप है। आज उनको आगरा कॉलेज के पद से पदमुक्त कर दिया गया है। आगरा कॉलेज में अब नए प्राचार्य की पद की जो क्या कहते हैं नियुक्ति है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो मंडलायुक्त हैं वो अध्यक्ष होती हैं, वो इसका निर्णय लेंगे। लेकिन हम सचिव जी ये पूछना चाहेंगे कि जो आगरा कॉलेज के प्राचार्य अनुराग शुक्ल रहे, उनके दौरान इस कॉलेज को कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान होने की संभावना है? क्या इस कॉलेज में प्रॉपर एडमिशन हुए? क्या बच्चों में वो इंटरेस्ट वो उत्साह है आगरा कॉलेज में? जो पहले जो गरिमा थी, यहाँ लाइन लग होती थी, यहाँ सिफारिशों की लाइन लगती थी, लेकिन आज हमने ये सुना है कि यहाँ विधि संकाय तक में एडमिशन नहीं हुए हैं। आगरा का माना जाना कॉलेज होने के नाते आगरा कॉलेज आगरा में एक एडमिशन के पीछे कम से कम 20 से 22 फार्म आते थे और मेरिट बनाने में हम लोगों को कठिनाई आती थी और उसमें इतनी लाइन लगती थी कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी से सेक्शन बढ़ाने के लिए मांग करनी पड़ती थी और अतिरिक्त एडमिशन की मांग करनी पड़ती थी। जब से ए आए हैं तब से जो है इन सब में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है, जब क्योंकि इनके कार्यकाल में लूटपाट के अलावा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया गया और पढ़ाई पर न ध्यान देने के कारण यह जो छात्र संख्या थी मेरे यहाँ घटती गई। जहाँ तक लॉ फैकल्टी की बात आपने की है, लॉ फैकल्टी यही नहीं आगरा यूनिवर्सिटी का सबसे या उत्तर भारत का सबसे समृद्ध फैकल्टी थी और इस फैकल्टी में दूर दूर से लोग एडमिशन के लिए आते थे और यहाँ तक कि मंत्री, डीएम, कमिश्नर और सांसद विधायक भी पैरवी करते थे, एडमिशन नहीं होता था। आज उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई मारामारी नहीं हो रही है, बच्चों के जो फार्म भरे जा रहे हैं एडमिशन के संख्या के आधार से भी कम फार्म आ रहे हैं, यह सोचनीय प्रश्न है और इस पर चूँकि प्रशासन ध्यान नहीं दिया और प्रशासन का ध्यान न देना आज शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ गिरावट आई है। क्या लग रहा है कि अब जो प्राचार्य पद है अब किनके हाथों में जाएगा, किसके आगरा कॉलेज की जिम्मेदारी किनके हाथों में होगी, कौन कौन नामित है, किन किन की संभावना आप जता रहे हैं? आगरा कॉलेज आगरा में यदि सीनियरिटी से बात करें हम लेने के लिए तो मेरे हिसाब से जो दो सीनियर ऊपर के लोग हैं दोनों लोग विवादित हैं, इसलिए कि एक अनुराग शुक्ला के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त थे और दूसरे उनके पति यहाँ प्राचार्य रहे और उनके कार्यकाल में उनके खाते में एसटीएससी के कुछ छात्रवृत्ति का पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, जैसी सूचनाएँ मेरे पास हैं। उस आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो कमिश्नर महोदय निर्णय लें वो कॉलेज हित में लें, जो भी सीनियर मोस्ट हैं उनके अतिरिक्त उनको चार्ज दें, इसमें कॉलेज का जिसमें हित हो। शिक्षकों में जरूर पठन पाठन अपनी ड्यूटी के प्रति शिक्षक एकदम अपने कार्य को करता है, शिक्षकों के इतना के बावजूद भी शिक्षक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुआ है, इसलिए शिक्षकों को आपके मंच के माध्यम से मैं उनको बधाई देता हूँ कि अपने कर्तव्य
तल्लीन रहे और प्रशासन से निवेदन करता हूँ, मैनेजमेंट से निवेदन करता हूँ कि एक अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करें। आगरा कॉलेज की गरिमा लौटाने में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से सचिव साहब विजय सिंह जी का कहना है कि जो आगरा कॉलेज के प्राचार्य थे अनुराग शुक्ल, उन्होंने रहते हुए काफ़ी भ्रष्टाचार किया, आगरा कॉलेज को नुकसान पहुंचाया। आज ये स्थिति आगरा कॉलेज की बनी है। 200 साल बाद के इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए छात्र तैयार नहीं है। जहाँ विधि संख्या की बात करें तो विधि संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ क्या थे लॉ करने आते थे, लेकिन आज यहाँ वो उसका एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जहाँ कॉलेज में मारामारी होती थी, आज वहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब फिलहाल देखना यह है कि जो प्राचार्य पद है उसको भरने के लिए, जिस तरह से सचिव साहब ने बताया कि दो लोग हैं, लेकिन वो दो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और अब देखने फिलहाल वाली बात ये होगी, क्या एक योग्य व्यक्ति कौन बनेगा, कौन आगरा कॉलेज की दशा सुधारेगा। ये स्टूडेंट और कॉलेज के लिए, दोनों के लिए बड़ा विषय है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।